आज के इस वीडियो में जानेंगे क्या अंतर होता है नए मोर्फो L1 डिवाइस में एवं नए मंत्रा L1 डिवाइस में। जैसा कि आपको मालूम है 30 सितंबर 2024 के बाद से पुराने L0 डिवाइस, चाहे आपके मोर्फो के L0 या मंत्रा के L0, इनके अलावा कोई दूसरी कंपनी की, वो डिवाइस अब उपयोग में नहीं, यानी आप उसका इस्तेमाल APS KYC ETC के लिए नहीं कर सकते। तो आप लेने जा रहे एक नया डिवाइस, तो कौन सा ले, आपके लिए कौन बेहतर है? आपके नजर में दो डिवाइस सबसे पहले आएंगे, मोर्फो एंड मंत्रा। इसके अलावा और भी कंपनी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित और यूज में जो आती है, ये दो डिवाइस आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो लेके आपके लिए कंपैरिजन वीडियो मोर्फो वर्सेस मंत्रा L1 डिवाइस में क्या अंतर है और आपके लिए कौन सा लेना उचित है वो हम लास्ट में बताएंगे। आप अपने इस पूरे वीडियो का बेस पे आप कह सकते हो हाँ आपके लिए कौन सा यूजफुल रहेगा। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, अगर आप APS के काम करते हो, कोई तरीके बैंकिंग आउटलेट है, KYC का सिस्टम है, आधार, जो भी काम करते हो, ऑथेंटिकेशन बेस, तो आपके पास एक डिवाइस तो होनी मांगती है। पुराने डिवाइस बंद हो जाएगा तो आपका धंधा यानी काम बंद हो जाएगा, तो आपके लिए लेनी होगी एक नई डिवाइस जिसके लिए आप अपने पॉकेट ढीले करने होंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने दोनों परचेस की, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, आपके लिए वीडियो लाना पड़ता है, कंपटीशन एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करनी पड़ती है, तो मैंने दोनों परचेस की है। लेकिन आपका बजट कम है तो आप कौन सा ले, चलिए जानते और बेहतर कौन है वो भी समझते हैं। तो बात करें इसके लुक्स की, यानी देखने में, कैरी करने में, तो मंत्रा थोड़ी साइज बड़ी, इससे लगता है 3-4 गुना बड़ा है मोर्फो, आप नोट कर लेना। तो साइज में मंत्रा बड़ा है, मोर्फो छोटा, इसे आप पैकेट में कैरी करें कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन मंत्रा को आपको शायद पैकेट लेने अक्रू लगे, आपको बैग वैग का इस्तेमाल करना होगा। तो आप अगर जैसे कि कैंपिंग करते हो, डोर डोर लगा के कई काम करते हो, तो आपको कैरी करने में मोर्फो ज्यादा बेहतर है मंत्रा के मुकाबले, कि इस्तेमाल करने में दोनों बेहतर डिवाइस है। बात करें काम कहाँ करता है, तो देखिए मंत्रा की नई L1 डिवाइस है, ये आपके एंड्रॉइड फोन में काम कर जाएंगे, आपके कंप्यूटर के विंडोज 10 और 11 में काम करेंगे। अब आप में से कुछ लोग बोले भैया हमने विंडोज 7 में चलाया इसे, तो इसके नए अपडेट 1.0.4 के बाद से विंडोज 7 में ये वर्क नहीं करता। मैंने काफी कोशिश की, ट्राई किया है, डिवाइस अटैच तो आता है, लेकिन फार्मर रेट टू यूज मंत्रा के ड्राइवर स्टोर करने पे नहीं आता है, काम नहीं करता है। बात करें मोर्फो नई वाले L1 की, तो इसे इस्तेमाल आप एंड्रॉइड फोन में एंड विंडोज में 10 और 11 कर सकते हैं, विंडोज 7 पे इसे अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैंने काफी कोशिश की इसे इंस्टॉल करने में, मेरे कंप्यूटर बार बार एक पॉप आता है कि इसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टार्ट ये नहीं होता, यानी कि आप इन दोनों डिवाइस को विंडोज 7 8 में नहीं चला सकते, आपके पास विंडोज 10 या 11 कंप्यूटर होनी जरूरी ही जरूरी है। बात करें इसे मोबाइल में चलाने के लिए क्या करना हो, तो इसके लिए आपको मंत्रा L1 के लिए मंत्रा MFS110L1RD सर्विस ऐप आती है, इसे इंस्टॉल कर आप इसे इस्तेमाल मोबाइल में किसी भी ऐप के ऊपर कर सकते हैं। एंड बात करें मोर्फो L1 चलाने के लिए, इसके लिए आपको 1300 MSO E3 RD L1 एप्लीकेशन जरूरत पड़ती है, जिसे चलाने के लिए आपको मोबाइल में जो APS अलग अलग कंपनी इस्तेमाल कर उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते कंप्यूटर में चलाने क्या करना होगा, तो मंत्रा नए वाले L1 चलाने कंप्यूटर में आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इनके दो ड्राइवर, मंत्रा की RD सर्विस एंड मंत्रा की ड्राइवर, दो सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती है जिसपे आप मंत्रा के नए वाले डिवाइस को चला सकते हैं। लेकिन बात करें मोर्फो चलाने के लिए, इसके सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मोर्फो L1 ड्राइवर चाहिए, जिसमें आप ना सिर्फ मोर्फो के नए वाले L1 डिवाइस को, आप इसके पुराने वाले L0 डिवाइस को भी उसी ड्राइवर के ऊपर चलाते, आपको कोई एक्स्ट्रा मंत्रा की तरह इसके L0 ड्राइवर का अलग से इंस्टॉल करना पड़े आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बात करें इसके स्टार्ट टाइम की, मंत्रा L1 को मोबाइल में कितने देर में ये रेडी टू यूज हो जाता है, काम करने रेडी होता है, तो मोबाइल में अगर मंत्रा की बात कुछ लगाने पे सबसे गंदा चीज इसका आता है वो पॉप अप आना, वहां पे आपको इनेबल करना पड़ता है, ओके करना पड़ता है, फिर आगे प्रोसेस करते हैं, जिसे आप कह सकते हो इसे एक्टिवेट होने में 10 से 15 सेकंड लग जाता है। वहीं बात करें अगर मोर्फो नए वाले L1 का मोबाइल पे इसे रेडी टू यूज आने में 3 से 5 सेकंड लगता है, यानी कि मंत्रा नए वाले L1 के मोबाइल मोर्फो नए वाले L1 जो ज्यादा फास्ट मोबाइल में एक्टिव हो जाता है। वहीं बात करें अगर इसके कंप्यूटर पे स्टार्ट होने में, एक्टिवेट होने में, जैसे मंत्रा हम लगाते हैं डिवाइस अटैच, पावर रेडी टू यूज आने में जो समय लगता है वो 7 से 10 सेकंड में, मैंने कई बार टेस्ट किया, 7 से 10 सेकंड में आ ही जाता है। एंड बात करें मोर्फो की L1 डिवाइस कंप्यूटर लगाने पे, तो इसे लगाने पे आपको पहले तो इसका एक पॉप आएगा कि सर जी आ रहे हैं, डिवाइस अनप्लग नहीं करनी है, तकरीबन इसमें 15 से 25 सेकंड लग जाता है। तो बात करें कंप्यूटर में स्टार्ट होने में, तो मंत्रा L1 ज़्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाता है मोर्फो L1 के मुकाबले। बाकी आपके पास अगर इन दोनों में डिवाइस कितना सेकंड लगता है, आप अपने स्टॉपवॉच चेक करके हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपके डिवाइस रेडी टू यूज आने मोबाइल हो या कंप्यूटर कितना समय लेता है। यहाँ पे इन दोनों का डिपेंडेंसी आपके कंप्यूटर मोबाइल के प्रोसेस और आप इंटरनेट इस्तेमाल कर कितना फास्ट है इस पे भी डिपेंड करता है।
बात करें इसे इस्तेमाल करने में, जैसे कि मैंने पीरियड ऑफ बैलेंस क्वेरी की है, तो मंत्रा की जो L1 डिवाइस है कितने समय लेता है बैलेंस क्वेरी करने में, तो 12 सेकंड करीब लगता है इसे बैलेंस चेक करने में। बात करें मॉर्फो L1 की, तो ये भी 12 सेकंड करीब लेता, दोनों सेम है APS पे काम करने में, बैलेंस क्वेरी करने में। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपकी डिवाइस लगी और रेडी और दोनों को एक साथ कैप्चर कर आप प्रोसेस कर रहे हो तब। अब बात करें इसे प्रोसेस करने में, यानी कि आपकी डिवाइस लगी और आपने प्रोसेस किया करने के लिए और आपकी लाइट जल गई और आप फिंगर रखियो वहां पे जो प्रोसेस लेता है उस टाइम में, तो मंत्रा L1 5 सेकंड लेता है और मॉर्फो L1 3 सेकंड में ये प्रोसेस कर देता है। बात कर जब हम इसे एक्टिव सेंसर करते हैं, जो इस पे लाइट जलती है इसके पैनल पे, अगर कस्टमर फिंगर ना रखे तो कितने देर तक ले लाइट जलती रहती है, तो मंत्रा 10 सेकंड में छू मंत्र टूट करके रह जाता, लेकिन मॉर्फो को मैंने देखा है ये जलता ही रह जाता है। मैंने मैक्सिमम टाइम 10 मिनट दिया, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा टाइम ये जलता है, क्योंकि मैंने चेक लगातार नहीं किया, 5 मिनट तो मैंने कंटिन्यू से जला के रखा, ये जलता ही रहा ये भूताइन जब तक कस्टमर से फिंगर ना रख दिया हो। अगर बात करें इस पे कैप्चर करने की क्षमता, यानी इसकी जो पैनल है, अगर आपके फिंगर में डस्ट वेस्ट कुछ लगाकर आप इस पे रखते हो, तो नए वाले मंत्रा L1 की कैप्चर की क्षमता पुराने वाले मंत्रा L0 से कम है। मैं नोटिस किया, मैंने अपने हाथ को डस्ट लगाया, गंदा किया, फिर मैंने नए वाले पे रखा, ये कैप्चर नहीं कर पाया, फिर मैंने इसे नए वाले L1 पे रखा, इंस्टेंट उसी गंदे हाथ को कैप्चर कर लिया, जो कि पुराने वाले मंत्रा की डिवाइस मॉर्फो में ज्यादा अच्छी थी। कस्टमर का हाथ गंदा है, फिंगरप्रिंट लो है, तो भी कैप्चर पढ़ लिया, ये वे थोड़ी इशू है कैप्चर करना, लेकिन मॉर्फो L1 जो मेरे पास है इसमें काफी अच्छा कैप्चर होता है मंत्रा के नए वाले L1 के मुकाबले। बाकी आप टेस्ट कर बताओ, हाथ में थोड़ी धूल मिट्टी लगा लेना एंड चेक करना पुराने मंत्रा, नए मंत्रा और नए मॉर्फो पुराने मॉर्फो में किसमें बेहतर, किन किन में कैप्चर, यानी गंदे डस्ट फिंगर भी कैप्चर कर लेता है। बात करें इसकी RD की, सालाना तो पैसे भैया देने होंगे, दोनों के देने पड़ते, देने होंगे, किन को कितना देना पड़ता है, तो मैंने मंत्रा के पुराने वाले L0 को जो RD किया था वो 100 रुपये RD की होती है, 18% GST, 18 रुपये, 118 रुपये सालाना चार्जेस पे करने होते हैं। ये बात करें मॉर्फो की, तो इसके 375 रुपये RD लगते हैं और 18% GST, कुल मिलाकर 442 रुपया 50 पैसा लगता है। तो मंत्रा L1 के मुकाबले मॉर्फो थोड़ा कॉस्टली होता है RD के मामले में। बात करें इसके प्राइस की, आई कितने मिल जाएगी, तो मंत्रा की डिवाइस आपकी जिन लोगों कमेंट किया था, जो मैंने पता किया मार्केट में, 2500 रुपये से लेकर नए वाले 3500 रुपये के बीच में आपको इजिली ऑफलाइन ऑनलाइन इनके बीच मिल जाएगा। अगर बात करें मॉर्फो डिवाइस की, तो जैसा कि मैंने पता किया इसके ऑफिशियल वेबसाइट को छोड़ के, ऑफिशियल वेबसाइट में 3776 में परचेस किया था, 3200 रुपये चार्जेस थे और 18% GST, कुल मिलाकर मुझे 3700 कुछ रुपए पड़े थे और इसे आने में 1 महीने से ऊपर समय लग गया था, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने परचेस की थी जो मेरे हाथ में अभी है। लेकिन इसे आप लेना चाहते हैं मॉर्फो नए वाले L1, तो ऑनलाइन या लोकल मार्केट 4000 से 5000 बीच में आपको ये मिल जाएगा। परचेस करना चाहते हो, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं अगर आपकी लेने की चाह है, जो भी डिवाइस मैं आगे बताऊं कौन आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था मेन मुख्य डिफरेंस दोनों के बीच में, दोनों हाई सिक्योरिटी के साथ L1 मॉडल में आती है, प्राइस में डिफरेंस अंतर होता है, साइज में अंतर होता है। अब देखो आपको कौन सी लेनी चाहिए। देखिए अगर आप कैंप लगा के इधर काम करते हो और आपको अपने मोबाइल से करते हो, तो कैरी करने में मॉर्फो काफी आसान है, आप अपने जेब में डाल दो वो भी चला जाएगा, लेकिन मंत्रा थोड़ा दिक्कत कैरी करें, आपको इसके लिए बैग वैग लैपटॉप के साथ रखनी पड़ती है। साइज में अगर आपको लगता है ये, तो आप मॉर्फो के साथ जा सकते हो। अगर आप स्टेबल काम करते हो, एक ही जगह काम करो, आपकी बजट कम है और आपको सालाना RD भी कम करानी है, तो आप मंत्रा L1 के साथ जाते जो सस्ता है और इस तरह करने में ठीक है। सबसे मुख्य जो इस दिक्कत आती है, मैं चूज खुद मंत्रा को इसलिए करता हूँ, मेरे पास दोनों है लेकिन मैं मंत्रा को प्रेफर्ड करता हूँ इसलिए कि अगर कंप्यूटर कोई काम आप करते हो, तो मंत्रा को एक इंस्टॉलेशन पे आप इसके हर एक वेबसाइट, चाहे आप पेन कार्ड में काम करो, किसी भी APS कंपनी, एयरटेल, पेनियर बाय, फिनो, CSC, आयुष्मान कार्ड, PM किसान, EKYC, वृद्धा पेंशन KYC, हर तरह का एक सेटिंग पे आप चला सकते हो इसको। ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है मंत्रा में फॉर कंप्यूटर। लेकिन इसी बात करें मॉर्फो को कंप्यूटर चलाने के लिए, आपको इसे 3 अलग अलग डिफरेंट मोड पे काम करता है, एक iOS जो बैंक के CSP चाहते हैं उनका अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसे इंस्टॉल कर चलाना पड़ता है, उसी पे वो काम करे, दूसरे पे शायद ही काम कर पाए। दूसरे इसकी CSC, UTI, पैन हो गई, आयुष्मान कार्ड, सब हो गई जिसके वैल्यू पे काम करता है, 10 चीज वैल्यू होती है उस पे होता, और तीसरी हो गई जिसकी इसकी EKYC हो गए, पेनियर बाय, एयरटेल, BC, इस पे काम करता है। वो 3 तरह की सेटिंग होती है मॉर्फो में, आपको जब इसे चलाना हो तो पर्सनली उसके ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप अगर पेन कार्ड काम करते हो, कोई आ गया एयरटेल पेमेंट बैंक BC अकाउंट अपने कंप्यूटर से करनी है, तो फिर आपको इसके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर से डालनी पड़ती है, एक ड्राइवर पे सारे वेबसाइट वर्क नहीं करते, जो मॉर्फो काफी ज्यादा गलती है, काफी ज्यादा इशू मॉर्फो डिवाइस को मैं क्रिटिसाइज करता हूं इसी कारण से। तो अगर कंप्यूटर आपको ऑल इन वन पर्पस यूज करना है, तो आप जा सकते हो मंत्रा की L1 डिवाइस, लेकिन आपको छोटा कैरी करना और मॉर्फो ही चलाना, किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पे ही चलानी है,
कंप्यूटर पे, तो आप जा सकते हो मोर्फो के साथ। डिपेंड आपकी इस्तेमाल पड़ता है कि आपके लिए कौन बेहतर है। आप अपने इस पैसे को ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो, ये सस्ते दरों पे आपको मिल जाएगी। लगभग 1000 रुपए का डिफरेंस आपको इन दोनों को परचेस करने पे लगेगा। अगर आप इसे खरीदोगे तो 1000 रुपए ज्यादा लाकर मोर्फो लेनी होगी, और मोर्फो खरीदो 1000 रुपए कम लाए मंत्रा मिल जाएगी, जिसकी सालाना आरडी की भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लगभग 1/3 के आसपास। 118 रुपए सालाना आरडी और 442 रुपए सालाना आरडी, इतना डिफरेंस दोनों के आरडी में है अगर आपको लॉन्ग टर्म चलता है। तो बात करें लॉन्ग टर्म से ही, तो मैंने इस्तेमाल किया मंत्रा ये पुराना डिवाइस। आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि उनके 5-5 साल चले, लेकिन मैंने जो मंत्रा यूज किया, मेरे मंत्रा 1-1.5 साल के बाद वो खराब हो जाता है। ज्यादातर वायर का इशू आता है और बाद में इसके लाइट कैप्चर नहीं होती, कई अलग तरह का इशू आके ये खराब। मेरे पास अभी मंत्रा एक खराब 3-4 डिवाइस पड़े हुए हैं जो मैंने रिपेयर नहीं करवाया उसे। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मंत्रा डिवाइस मोर्फो के मुकाबले लाइफ साइकिल जो होती है, मेरे पास जो मोर्फो मैंने बहुत पहले फर्स्ट मोर्फो ही कहा था, वो अभी तक E2 चल, ये वाले E2 अभी तक चल रहा है, लेकिन वही मंत्रा मैंने 3-4 डिवाइस बदल लिए। तो हो सकती है इसके लाइफ, अब मैं ये नया लिया हूँ, देखता हूँ कब तक वर्क करता है। एंड इसके बाद सबसे इंपोर्टेंट, मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे थे, मोर्फो लगाओ आसानी से काम का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मंत्रा को लगाने बार बार आपको ओके करना पड़े। आप ज्यादा मोबाइल में इस्तेमाल करते हो तो आप, मैं कहूँगा मोर्फो के साथ जाओ, मोबाइल में मोर्फो लगाओ, कोई ओके नहीं करना है, थोड़ा सा पॉप हिलेगा आएगा आपकी थोड़े काम कर जाए, लेकिन इसे बार बार ओके करना होगा आपको। तो ये थोड़ा दिमाग का दर्द हो जाता है मंत्रा इस्तेमाल करने में। मैं अभी बताऊँ पर्सनली अपना इसमें, मैं अभी भी APS करता हूँ, तो ये मोर्फो L1 से ही लगाकर करता हूँ, ताकि बहुत जल्दी बिना एक्स्ट्रा तामझाम के मेरा मोबाइल में ये वर्क कर जाता। मोर्फो को मंत्रा को बार बार लगाने पे ओके करो पॉप को, ओके करो पॉप को, ओके करो, दिमाग का दर्द। कंपनी वाले ये ओके का सिस्टम हटा देना चाहिए, मोर्फो की तरह डायरेक्ट लगाओ, प्लग एंड प्ले का ऑप्शन होना चाहिए, लगाया यूज किया, टेंशन मुक्त है। बाकी ये कुछ मैंने आपके सामने दे दिया डिफरेंस, आप अपने हिसाब से जो बेस्ट है, मैं दोनों का परचेसिंग जिसे दे रहा हूँ आप परचेस कर सकते हो। बाकी आपको जानना है मंत्रा वर्सेस LG वर्सेस L1 क्या अंतर है, या मोर्फो LG वर्सेस L1 क्या अंतर है, दोनों के पुराने वर्जन से नए वर्जन क्या डिफरेंस है, जाननी है तो वीडियो दोनों के सामने देखने मिल रहा है। अगर आ गई हो तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, और जो आपके लिए बेस्ट है उसे आप परचेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।